दोस्तों अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट लॉगिन नहीं हो रहा है, आप जैसे उसको लॉगिन कर रहे हो तो आपको वहां पर कुछ इस तरह का एरर दिखाई दे रहा है, जैसे कि बराबर में स्क्रीनशॉट आप यहां पर देख सकते हो। आपका जो अकाउंट है वो सही चल रहा था, चलते चलते वो लोगो आउट हो चुका है और यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा एरर आ गया है, जैसे कि बराबर में स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर देख सकते हो। अब जैसे ही आप उसको लॉगिन करना चाहते हो तो वो आगे नहीं बढ़ रहा है और ऐसा एरर आपको जो है वहाँ पर शो हो रहा है। अगर आप इस प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहते हो 30 सेकंड के अंदर, तो इस वीडियो के अंदर जो तरीका मैं आपको बताऊँगा उसको आपको फॉलो करना होगा और मैं आपको यहाँ पर ये भी बताऊँगा कि ये प्रॉब्लम आपके साथ में क्यों आई है, आगे के लिए आप इससे कैसे बच सकते हो। अगर आप अपने अकाउंट को फिर से लॉगिन करना चाहते हो, उसी तरह से चालू करना चाहते हो, तो वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शाहिद और आप देख रहे हैं शाहिद SS यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर लो ताकि आने वाली मेरी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि इंस्टाग्राम की तरफ से आपके अकाउंट को क्यों लॉगो आउट किया गया है, क्यों आपको इस तरह का एरर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो होता क्या है, जब हम अपना इंस्टाग्राम का न्यू अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पर हम अपनी ईमेल आईडी और नंबर को अगर वेरीफाई नहीं करते हैं तो ऐसे में यहाँ पर जब इंस्टाग्राम की टीम हमारे अकाउंट को चेक करती है, हमारे जो डिटेल होती है उसको चेक करती है, तो उसको लगता है कि भाई इन्होंने नंबर भी नहीं डाला, ईमेल आईडी भी नहीं डाली है, तो उनको ऐसा लगता है कि हमने अकाउंट को फेक बनाया हुआ है। तो ऐसे में जो है वो हमारे अकाउंट को यहाँ पर लॉग आउट कर देते हैं और हमें इस तरह का एरर दे देते हैं, जैसे कि आपको एरर देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी पर्सन इस जो है इस मैसेज को पढ़ते हैं और उसमें लिखा होता है कि भाई 30 दिन के अंदर आप अपने अकाउंट को चालू कर सकते हो। तो काफ़ी पर्सन यहाँ पर ये सोचते हैं कि भाई 30 दिन के बाद ही चालू होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इसको हैंड टू हैंड तभी चालू कर सकते हो, लेकिन आपको एक प्रोसेस को फॉलो करना होता है जिसके बारे में सभी को नहीं पता होता है। इस प्रोसेस को कैसे फॉलो करना है वो मैं आपको आगे बताऊँगा अभी, लेकिन मैं यहाँ पर आपको पहले ये बता रहा हूँ कि आपको जो ये प्रॉब्लम आई है वो क्यों आई है। आपको अपने अकाउंट के अंदर मोबाइल नंबर जरूर डालना चाहिए, ईमेल आईडी जरूर डालनी चाहिए, जिससे इंस्टाग्राम की टीम अगर आपके अकाउंट को चेक भी करती है तो उसको लगेगा कि भाई इन्होंने पर्सनल डिटेल भी अपनी जो है पूरी की पूरी यहाँ पर डाली हुई है, अपने अकाउंट को इन्होंने अच्छी तरह से वेरीफाई किया हुआ है। तो आप जो है इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो अब यहाँ पर बात आती है कि आपको जो वो एरर मिला है उसको कैसे फिक्स करना है, अपने अकाउंट को कैसे चालू करना है। तो जैसे कि आपको इस तरह का एरर दिखाई दे रहा है, जैसे कि बराबर में यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है आई एम नॉट रोबोट। इसी की जस्ट बराबर में आपको एक बॉक्स देखने को मिल रहा है जिस पर आपको चेक लगाना है। यहाँ पर चेक लगाने के बाद में जैसे ही आप जो है आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कोई एक तस्वीर भी आ सकती है, जिसमें आपको सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा कि पहले आप इन तस्वीर को सेलेक्ट करो, उसके बाद में जो है आपको जो है आगे बढ़ेंगे। आपका जो है ये कैप्चा तभी फील होगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे ही हम चेक पर क्लिक करते हैं और आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करते हैं तो तस्वीर नहीं दिखाई जाती, हम आगे वाले पेज पर चले जाते हैं। तो दोनों आपके साथ में कंडीशन ये हो सकती है, आप देख लीजिएगा। अगर आपके सामने तस्वीर आई तो उनको फील करके आगे बढ़ सकते हैं, अगर नहीं आई तो बहुत अच्छी बात है, आप ऑटोमेटिकली आगे चले जाएंगे। और जब आप नेक्स्ट पेज पर जाते हैं तो वहाँ पर क्या होगा कि आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। आप अपना मोबाइल नंबर वहाँ पर डालेंगे, उसके बाद में सबमिट करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसको जो है वहाँ पर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद में सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही आपका अकाउंट 100% ऑन हो जाएगा, चालू हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा। इसी तरह से काफ़ी पर्सन की मैंने ये प्रॉब्लम सोल्व कराई है और आप भी इसी तरह से इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। इसमें होता यही है कि यहाँ पर जो है कंफर्मेशन जो है मांगी जा रही है, हमें जो है उसके लिए जो है अपना OTP वहाँ पर डालना होता है। तो OTP डालते ही हमारा अकाउंट चालू हो जाता है। तो आप भी इसी तरह से कर सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।